भ्रमण का घटनाक्रम रहा है और जिस प्रकार सारे राजनीतिक दलों ने एक वोट हासिल करने के लॉबिंग की है और जिस प्रकार राजा भैया बार बार टीवी चैनलों पर आए हैं और टीवी वालों ने उनके बयान लिए हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि राजा भैया आखिर किधर गए हैं। मिश्रा जी, उन्होंने एक कार्ड तो बिल्कुल क्लियर किया अपना कि उनकी बसपा से सहमति नहीं है और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अखिलेश यादव जी के वो साथ हैं। मिश्रा जी, सीएम से जी इस अवस्था में अगर सीएम से मिलने के बाद साथ गए हैं जी जी, तो फिर लाभ किसको मिला इसका? नहीं, एक एक सवाल ये भी है, सीएम से मिलने के बाद जब राजा भैया बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट में कहा था वही मैंने किया भी है। मिश्रा जी, इस पर नहीं, देखिए दो चीजें हैं, आप यहाँ विरोधाभास देखिए, मैं आपको बताना, ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि राजा भैया ने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। औपचारिकता निभाते निभाते ही सरकारें बन जाती हैं, जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं वो औपचारिकता से शुरू होती है और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर राजा भैया जी को मिलना ही था तो आज यूपी या लखनऊ में ऐसी कौन सी आफत पड़ गई थी, कौन सी बहुत इमरजेंसी मीटिंग उनके पास थी कि वो आज ही कि किसी पंडित ने उनको बताया था कि आज ही शुभ मुहूर्त है और इतने बजे में मिल लीजिए। दिन मैं चर्चा इस चीज की कर रहा हूं कि दिन में तीन बार ये पलटने का इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई ठीक है, आपके मन में कुछ और है, जबान पे कुछ और है और एक्शन कुछ और हो रहा है, इसीलिए ठीक है आपकी पार्टी के वो है, आपने आपको उन्होंने वोट दिया, वो डेफिनेटली अपनी जगह पे आप सही है। लेकिन मैं घटना के क्रम को मैं देख रहा हूं कि अगर एक ही दिन में दो दो घंटे के अंतराल पे तीन तीन चार चार बार आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिस होती है तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा सर? जैन साहब, क्या आंसर है? जैन साहब, ये सवाल वाकई में है, आपसे जवाब चाहेंगे। जी जी, कल भी मिल सकते थे, वो इलेक्शन के बाद वोटिंग के बाद मिल सकते थे ना। आज जब सबकी धड़कनें तेज हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये इनके साथ है तो ये खेमा बदल चुके हैं, पाला बदल चुके हैं, ऐसे में राजा भैया का आज की सीएम से मुलाकात ये ट्वीट से अलग नहीं है तो क्या है? देखिए देखिए, एके मिश्रा जी प्रूव करना चाहते अपने तर्कों से कि राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग की, अगर नहीं करनी होती तो जाकर के मिलते नहीं योगी आदित्यनाथ जी से। ये तो अभी पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। इस बात को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। और समाजवादी पार्टी में राजा भैया ने पूरा विश्वास जताया है, उसके पहले भी समाजवादी पार्टी में वो मिनिस्टर थे और समाजवादी पार्टी हमेशा से राजा भैया का साथ देती रही, राजा भैया हमेशा से समाजवादी पार्टी का साथ देते रहे। रही बात आज के मुलाकात की, तो ये भी कहीं किसी पंडित ने नहीं बताया था कि आज उनसे मत मिलना, अगर आज उनसे मिलोगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, अगर पंडित ने ये नहीं कहा था कि आज मिलने के लिए कहा था तो मिलने के लिए बना भी नहीं किया था। दूसरी बात ये कि जो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है और राजा भैया का जो स्टेटमेंट आया अभी आपने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि हमने जो ट्वीट किया था वो हमने किया, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक बात यह भी हो रही थी कि अगर वो बीएसपी के कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते हैं तो वो जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो विधायक है वो जो है अंबेडकर को, वीआर अंबेडकर को वोट, बीएसपी के कैंडिडेट को वोट करेगा। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी में पहले से तय हो गई थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजा भैया का जो स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह पे सही है और जो समाजवादी पार्टी का जो स्टेटमेंट है कि राजा भैया हमारे साथ है वो भी बिल्कुल सही है और राजा भैया ने जो ये कहा कि औपचारिक मुलाकात थी वो भी बिल्कुल सही है। पूरी जी, तो ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को राजा भैया का मिला है, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता रहे हैं, सबका सबका सब आपका सम्मान करते हैं और वाकई में हमने भी देखा अभी। आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी यानी आपकी पार्टी जो नौवा कैंडिडेट था उसको लेकर किस संख्या तक पहुंच गई होगी? क्रॉस वोटिंग के बाद खरीद फरोख्त के आरोप लगे आपके पार्टी के नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन वो संख्या क्या है जहां तक आपको लग रहा है कि हम पहुंच सकते हैं, पहुंच गए हैं, क्या 37 या आगे पीछे? देखिए फिर वही चर्चा आएगी जहां से शुरुआत हुई थी कि जहां मिश्रा जी ने कहा कि सब राजनीतिक दल के लोग आएंगे और अपने अपने विजय की बात करेंगे और मैंने शुरुआत हम ईमानदारी से जानना चाहते हैं सर आपसे कंसिस्टेंटली उस नहीं नहीं ईमानदारी से जानना चाहते दावे अलग रख नहीं मैं कंसिस्टेंटली उस बात मैं कंसिस्टेंटली उसी बात पे हूँ कि जब रिजल्ट आने जा रहा है तो ये कहना कि इनको 35 मिले कि 36 मिले और सेकंड प्रेफरेंस के कितने मिले, ये इस पे कयासबाजी करने का कोई
मतलब नहीं है, रिजल्ट आएगा और आप देखिएगा कि जो हमारे फर्स्ट कैंडिडेट है श्रीमान अरुण जेटली, वो 37 के कोटे से 2 या 3 ज्यादा ही वोट पाएंगे, और आखिरी का जो नवा कैंडिडेट है वो अभी विजय के दरवाजे पर कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ। यानी आपने ये मान लिया है, सुरेंद्र जी, हाँ, आपसे शेयर कर सकता हूँ, सुरेंद्र जी ने ये मान लिया है, इन्होंने मान लिया पूरी जी ने कि हम 37 नहीं पहुंचेंगे लेकिन पास पहुंच जाएंगे। ये बात वाकई में आपको भी लगती है क्योंकि आपका समर्थन है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको अपर और लोअर बाउंड बताया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बात समझ गए हम, उसी का रिएक्शन हम जानना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी, चूंकि 7 वोट थे, ये 7 वोट बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन्होंने समर्थन दिया इस बात पर कि वाकई में हम बीजेपी को रोकेंगे और जिसको हम समर्थन देंगे वो जीतेगा। सुरेंद्र जी देखिए, अगर अमित भाई की बात सही है कि इन्होंने अरुण जेटली जी को 3 वोट एक्स्ट्रा दिए हैं और जीवीएल जो भी नरसिम्हा क्या नाम है उनका, उनको 1-2 वोट एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इनके पास फिर वोट कहाँ है? 15-20-20-21 वोट है इनके पास। हाँ। उसके बाद अब तो नाउ कितने बार कहें भैया काटे डाल रहे हैं। हाँ। तो अब तो परिस्थिति ये है आपके सामने, क्रॉस वोटिंग सिर्फ 2 विधायकों की हुई है, इनके इनके पक्ष में और 2 विधायकों की शायद इनके प्रतिपक्ष में हुई है, शायद, हम श्योर नहीं है। अच्छा, तो अब सारी की सारी स्थिति आपके सामने, इन्होंने जो कह सकते थे, जो कर सकते थे, जो अलोकतांत्रिक काम कर सकते थे, लोकतंत्र के लिए जो कुठाराघात कर सकते थे, वो जेल में बंद विधायकों को वोट ना डालने देने का इन्होंने। फिलहाल सुरेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले दर्शकों को रूबरू करवा दें, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा चुनाव का परिणाम आना शुरू हो चुका है, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, यानी गिनती शुरू हो चुकी है, अरुण जेटली राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर कि अरुण जेटली राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं, जो अभी दावा कर रहे थे अमित पुरी साहब, वो बात सच हो गई है और ये बड़ी खबर है। सबसे पहला रिजल्ट इस वक्त जो सामने आ रहा है कि अरुण जेटली साहब बिल्कुल क्लियर रास्ता हो चुका है, राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं और राज्यसभा का चुनाव परिणाम आना शुरू हो चुका है। पुरी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जो जिक्र आपने किया, जो दावा किया और जो कहा जा रहा था, पहली सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली। नहीं नहीं, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। हाँ। मैंने लोअर बाउंड भी आपको बताया, अपर बाउंड भी बताया। हमने कहा हमारे पहले उम्मीदवार श्रीमान अरुण जेटली जी कोटे से अधिक वोट पाकर के चुनाव जीतेंगे। हाँ। और नवे प्रत्याशी को भी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ इस चुनाव में विजय मिलेगी। ये मैंने दोनों बातें कही, हम कोई टॉल क्लेम नहीं करते, क्योंकि परिणाम जब सामने खड़ा हो तो परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मिश्रा जी आपसे चाहे। नहीं देखिए, मैं शुरू से ही हम लोग ये बात कर रहे थे, बात अभी हमारे सारे राजनीतिक मित्र बोल रहे थे कयास लगाने की, और कि क्यों हम पहले बोले। मैं बोलूंगा सर, जब इलेक्शंस होते हैं तो अभी 2019 का इलेक्शन है, लेकिन सब लोगों ने विजय घोष स्वयंभू बनकर के कि जी हम ही जीतेंगे, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जा रही है, बसपा आ रही है, वहां पे तो बढ़ करके सारी चीजें बोलते हैं और अभी यहाँ पे सारे के सारे बात है डायनामिक्स की। लेकिन एक सवाल मेरे भी जहन में है, पूरी साहब कह रहे हैं कि 3 वोट हो सकता है कि अरुण जेटली साहब को ज्यादा गए थे, है ना, तो अगर ये वाकई में 3 वोट ज्यादा गए तो फिर नीचे जो नौवां कैंडिडेट है वहां पर जीत का दावा या फिर जीत के करीब जाने का दावा कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 वोट तो आपके इधर आ गए और आपने काउंट किया था, उसके बाद आने दीजिए, वहां तक भी आने दीजिए, परिणाम मिलेगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, वहां तक आने दीजिए, परिणाम वहां भी मिलेगा। अभी आप ही ने सर बोला था कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए परिणाम आने के, आप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि जी हमें पता नहीं है कुछ या हमें जानकारी नहीं है, आप खुद बता रहे हैं, आपको कहां से पता चल गया कि 3 वोट आपको एडिशनल मिल गए हैं, यहाँ पे पहले से ही आपको पता चल गया। मैंने 3 नहीं, आज ये सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे, मैंने कहा था अरुण जी को कोटे से अधिक 2 या 3 वोट मिल सकते। अच्छा, नहीं देख, हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ सर, देखिए है क्या राज्यसभा का वाइट जो है उसको रिवाइंड कर लीजिए, सुन लीजिए, मैं राजनीति में बहुत कंसिस्टेंट तरीके से बात रखने का आदि। वक्त ये बड़ी खबर फिलहाल आ रही है, राज्यसभा के 10 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है, अरुण जेटली का रास्ता साफ हो चुका है, चुनाव जीत चुके हैं, थोड़ी देर में आएगा राज्यसभा का जो पूरा परिणाम है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे इस वक्त चर्चा भी जारी है, क्रॉस वोटिंग के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, 9वीं सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है कि आखिर बीएसपी सीट निकालेगी या बीजेपी, लेकिन पहली सीट बीजेपी की निकल चुकी है। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, केसी जैन साहब इस बार शुरुआत आपसे करेंगे, अगर पूरी साहब कह रहे हैं कि 3 वोट हो सकता है ऐसा कि अरुण जेटली साहब को ज्यादा पड़ी थी, उसके बाद ये जो क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही, क्या अभी आप आश्वस्त हैं
कि एक सीट निकलवाने के बाद दूसरी सीट भी आप निकलवा लेंगे। हालांकि एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि हो ना हो नौवीं के बाद दसवीं में भी बीजेपी क्रॉस कर जाए। नहीं नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से अस्वस्थ है कि बहन मायावती जी का जो कैंडिडेट है उसको बिल्कुल जीतना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने भी जो जिस तरीके से वोटिंग का अपना सिस्टम रखा है, जैसे राजा भैया के वोट को लेकर के था कि भाई राजा भैया बीएसपी को वोट नहीं देना चाहते हैं उसके कैंडिडेट को, तो वहां पे फिर बदल भी की गई कि अगर वो वोट नहीं करना चाहते बीएसपी को और तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं वो बीएसपी के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, तो उनकी बात भी रह जाती है और उनका वोट कहीं पे बेकार भी नहीं जाता है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट हो जाता है। इस तरीके से कुल मिलाकर के कि जो एक एक सीट पे है कि एक सीट समाजवादी पार्टी की और जिसको आप रिटर्न गिफ्ट कह रहे हैं बहन जी को समाजवादी पार्टी का, हमें लगता है कि माननीय अखिलेश जी बहन जी को रिटर्न गिफ्ट देने में बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो चर्चा हो रही थी अमित पुरी जी ने एक बात रखी कि 2 से 3 वोट अरुण जेटली जी को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो ऐसे भी इनके पास जो जो विधायक है और जो संख्या बल है वो और कम हो जाएगा। यही बात, यही टेक्निकल टर्म मैं और मिश्रा जी दोनों लगातार बार-बार बोल रहे हैं। और चाहे बीएसपी कैंडिडेट गया है तो बिल्कुल उसमें इनका नुकसान भी तो है, अगर ये अतिरिक्त वोट दे रहे हैं संख्या बल तो इतना ही है और अगर अतिरिक्त वोट किसी को दे रहे हैं तो इनके पास वोट का जो संख्या बल है जो नवा कैंडिडेट इनका है तो उसको जिताने के लिए इनके पास संख्या बल बचेगा नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसके पास संख्या बल ज्यादा होगा और वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ सी बात है। मिश्रा जी, जैन साहब के दावे और पूरी साहब के 3 वोट 4 वोट जो बता रहे हैं काउंटिंग भी हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसे हालात में वाकई में स्थिति क्या है? एक सीट तो निकल गई लेकिन एक सीट की चर्चा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही सीट की चर्चा है जो नौवीं है और बीएसपी और बीजेपी वाली। अगर 3 वोट इधर एक्स्ट्रा पड़े तो उधर 3 कम हो गए अगर ये मान लिया जाए, तो फिर कहां से दावा? नहीं देखिए, हमने पुरी सर से ये पूछा था तो पुरी सर ने इस चीज को खारिज कर दिया कि भाई ऐसा 3 वोट जो एक्स्ट्रा पड़े हैं तो अब उस चीज को जो है पर्टिकुलरली ये लेके कि हाँ ये बहुत ही क्लासिकल इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को हमें लेके जो है आगे वो नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए इसमें है ये जो नवीं दसवीं सीट का जो यहाँ पे सस्पेंस है कि जो आखिरी द्वार है वो हाथी तोड़ेगी या फिर पंजे से वो खुलेगा या फिर साइकिल से या फिर कमल के फूल से वो खिलेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इतना रहस्यमय ये चीज है। देखिए यहाँ ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा ये जो गेम होता है ये क्रॉस वोटिंग का होता है और क्रॉस वोटिंग के मामले पे अगर मैं देखूं तो बीएसपी समाजवादी पार्टी कांग्रेस में जो बहुत लॉयल टाइप के इनके लीडर हैं वो लोग क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे और मोरल वे में जो जरा सा भी मतलब हौच-पौच होता है किसी कैंडिडेट के साथ तो वो बहुत तेजी से शिफ्ट होते हैं। तो ये एक रीजन है जिसके कारण कि ये 9वें और 10वें जो लास्ट मतलब उसके सीट के लिए जो लड़ाई चल रही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चीज को देखना। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना, अनिल सिंह ने साफ कहा, वो छुपे तौर पर नहीं, साफ कहा कि भैया मैं तो योगी जी के साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं समर्थन कर रहा हूँ। फिर ये तो खेल बिल्कुल ओपन हो गया है ना? नहीं देखिए, अगर ओपन खेले तो इसमें डरना क्या है? नहीं नहीं, खेल ओपन हो गया है। देखिए इसी चीज को लेके देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं एक ये चीज मैं बोलना चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन या समर्थक हूं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूं क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं, चाहे वो इथिक्स की बात हो चाहे कुछ भी हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है, आप जरा इस नजरिए से देखिए, वो अगर कैंडिडेट है एक्सेप्ट बीजेपी का कैंडिडेट कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा क्योंकि उससे बीजेपी के कैंडिडेट को बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई और बेनिफिट मिल ही नहीं सकता है अगर उसको अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना है। दिनेश शर्मा जी के पास चलते हैं। दिनेश शर्मा जी, पहला रिएक्शन आ चुका है, अरुण जेटली साहब राज्यसभा पहुंच गए, जीत हो गई है, कमल खिलने की शुरुआत हो गई है, यही इंतजार हो रहा था कि परिणाम आने दीजिए, चर्चा और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। अब आपको लगता है, चूंकि पुरी जी ने दावा किया कि 37 से ज्यादा वोट पड़े जेटली साहब को, अब आप क्या कहेंगे? देखिए चुनाव परिणाम आने वाला है जिसके ऊपर अब कयास लगाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन संजय मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, दर्शकों की धड़कनें अभी भी तेज हैं, जिनका जो ड्रामा हुआ है या बीएसपी,
इसीलिए सवाल सर अभी बनता है कि आखिर वो भी जो आकलन लगा रहे हैं आप, चूंकि आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब हो क्या सकता है, सवाल बिल्कुल इसीलिए हमने पूछा, लेकिन आधे घंटे बाद तो अपने आप क्लियर हो जाएगा सब। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला है संजय जी कि इलेक्शन केवल एक ही सीट का है और मुकाबला बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इसी पर आपकी भी नजर है, इसी पर पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की नजर है, यहां तक दिल्ली तक की नजर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी को दो लोकसभा सीटें उपचुनाव की हारनी पड़ी हैं, ये उसी की परिणति है कि आज दिन भर एक नाटकीय घटनाक्रम जारी रहा। 326 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज नवा कैंडिडेट उतारती है इस उम्मीद में कि उस पर क्रॉस वोट का लाभ मिलेगा। आखिर यह नौबत क्यों आई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत की किसी प्रकार की कोई कमी रही है? पूछ लेते हैं ना पूरी साहब, अभी मैं बैठे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं उन्हीं से पूरी साहब आपका जवाब। मैं थोड़ा सा आपको एक ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी का स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण होता तो लोकसभा की फूलपुर और लोकसभा की गोरखपुर सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, क्योंकि ये अपने कार्यकर्ताओं को ही संतुष्ट नहीं कर पाए। आज ये जोर तोड़ पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल को, आज एक पॉलिटिकल पार्टी आरोप नहीं है, पत्रकार है भारतीय जनता पार्टी, चाहे जो भी बोले आप, परिणाम चाहे जो भी आ जाए, लेकिन इस बात की हमेशा सवाल बीजेपी के पर खड़ा रहेगा कि आखिर आज के नाटक की क्या जरूरत थी। पूरी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिनेश जी आपने कह लिया, अब मैं कहूं बिल्कुल, मैंने आउटसेट पे ही बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट की डायनेमिक्स थी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर और लोक राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर, उसके आधार पर 28 भाजपा नीत गठबंधन के सदस्यों के मत अतिरिक्त थे। और अब दो स्थितियां थी, या तो वो 28 लोग एब्सटेन करें या वो 28 लोग कोटे से अधिक मतदान करें। लेकिन जब यह सवाल आकर के खड़ा हुआ कि हमारे डिसीजन तो 11 तारीख को हमने लिया, 12 नामांकन की अंतिम तिथि थी, जब अननेचुरल अलायंसेस शुरू हुई जिसकी आप डिस्कस कर रहे हो कि राजा भैया इनको देंगे कि उनको देंगे, गुड़ खाएंगे कि गुलगुले से परहेज करेंगे, सपा को सीधे देंगे कि सपा की अलायंस वाली बसपा को देंगे, तो ये जब पोस्ट पोल मैरिज ऑफ कन्वीनियंसेस बनाने के लिए नवा उम्मीदवार उतारा गया तब यह डिसीजन लिया गया कि उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों की राजनीतिक अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए यह 28 सदस्य इन ब्लॉक एक उम्मीदवार को खड़ा करें, और वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने नवे प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। जैन साहब, और मैं सवाल पूछता हूं बाकी के लोगों से, अरे भाई अगर ये 28 लोग, ये 28 लोग क्या करते? राज्यसभा के मतदान के अनुसार 37 विधायकों के अनुसार तो विधानसभा में जीत मिली नहीं, हमको 325 सीटें मिली, 28 बाकी के विधायक भाजपा नीत गठबंधन के क्या करते? जैन साहब आपसे जवाब, खाली बैठते ताली बजाते। जैन साहब आपसे जवाब, आप आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया कि वाकई में जोर तोड़ की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन सवाल तो पूरी साहब का भी बिल्कुल सही है, किसने विधायक हमारे थे, हम क्यों ना उम्मीदवार उतारे? देखिए यूपी को जिनका 7 पसंद था उनके पास 10+7 17 एमएलए थे कुल, बसपा कहां से आ गई? ये अवसर दे तो मैं बोलूं। हाँ बोल लीजिए, बोलिए। खत्म हो गई, बिल्कुल हो गई। देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो इनको जो हार मिली दोनों मुख्यमंत्री की सीटों पर फूलपुर और गोरखपुर में, उसके पहले भी तमाम सारे कसीदे गढ़ते रहे कि जो है तमाम सारी बयानबाजियां होती रही, सांप छछूंदर और ये कैसा अलायंस है और ये अपवित्र गठबंधन है, ये तो अब भी बोला जा रहा है, हालांकि नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन बाढ़ आती है तो साथ साथ सभी लोग एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ये तो अब भी बोला जा रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, अरे सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जनता इस चीज को देख रही है, ये दलितों को अपवित्र कह रहे हैं कि बहन जी से जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का हुआ वो अपवित्र गठबंधन है, दलितों को ये अछूत मानते हैं, अब भी अछूत मानते हैं,
70 साल बीत जाने के बाद चली, तो ये उसको अपवित्र गठबंधन कह रहे हैं। जवाब लेंगे, बात ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रका का उसका जवाब इनको मिल गया। पूरी साहब आपसे जवाब जवाब मिल गया, सुप्रका का जवाब मिल गया। आखिर कैसे? उसके बाद आएंगे मिश्रा जी के पास, इसी पर सुन लीजिए। हाँ, आप ही की बात का जवाब देते हैं। आपको अपवित्र गठबंधन कैसे? एक बार होगा, एक बार पूरी बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं पूरी बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और जो ये अभी पुरुजी ने अभी कहा कि भाई हमारे इष्टा विधायक क्या करते, इष्टा बेले क्या करते, इसलिए हमने कैंडिडेट को खड़ा किया। अच्छी बात है, आपके पास में 28 विधायक संख्या बल अतिरिक्त है, आप खड़ा करते। लेकिन जो जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राडी चल रही, जिस तरीके से खरीद प्रोग चल रहा है, जिस तरीके से लालच दी जा रही है कि कैसे हमको अपने कैंडिडेट को जिताना, हम तो जीत ही जाएंगे। जीत का दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं? कैंडिडेट खड़ा करना बुरी बात नहीं है। समय हमारे पास कम है। पूरी साहब आप पवित्र गठबंधन कैसे? उसके बाद हम 30-30 सेकंड में सबके पास पहुंचेंगे। पूरी साहब आपका 30 सेकंड अब शुरू है, पूरी बात आप रख लीजिए कंक्लूजन के तौर पर। एक लाइन। हाँ हाँ। चुनाव के पहले इनके नेता आजम साहब बताते थे कि बुआ की गोद में बबुआ बैठेगा तो क्या क्या होगा। इस नैतिक गिरावट के स्तर तक राजनीतिक बयानबाजी करने वाले और कहने वाले कि अगर हम सत्ता में आए तो बसपा के नेताओं को और मायावती को जेल भेजेंगे। दिनेश शर्मा जी, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की आंख में धूल झोंक करके चुनाव के बाद ये जो अलायंस करना है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है तो क्या है? दिनेश शर्मा जी अपनी बात रखिए 30 सेकंड में। गुजरात में भी इन्होंने यही किया था जी, और इनके दोनों कैंडिडेट वहां पे हारे। सवाल कीजिए अपना। हाँ, यही अब कंक्लूजन के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। एक सीट निकल गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बावजूद आधे घंटे में क्या कुछ हो जाएगा? चुनाव परिणाम आ जाएगा। लेकिन भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये गठबंधन ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने के बड़े बड़े भारती हैं। चलिए, यही सवाल सबसे बड़ा गंभीर होता है। मिश्रा जी, आप कंक्लूजन इस पे करिएगा। इसलिए हमें नहीं लगता। जैन साहब 30 सेकंड आपके पास, अब क्या आपको लगता है? जैन साहब तो लगता है सब, मिश्रा जी आप पूरी बात कर लीजिए उसके बाद। नहीं देखिए संजय, एज ए कंक्लूजन अगर मैं देखा जाए, हालांकि कोई भी पार्टी, मैंने बोला इथिक्स वगैरह की बातें इनसे करना जो है बेकार है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है, अल्टीमेट जो गोल होता है वो इलेक्शन जीतना, संविधान के दायरे में रहते हुए। सबने इस तरीके के गठबंधन किए हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो इन्होंने कर्नाटका में येदुरप्पा जी को वापस ले लिया, जो कि इनकी पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राजनीति में चलता है, लेकिन फिलहाल आज रिजल्ट क्या आएगा, कौन किस पर भारी पड़ गया, किसने तोड़ा किसने जोड़ा, सब कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर में बिल्कुल स्थिति साफ, राज्यसभा की रणभेरी में बाजी किसने मारी है यह कंफर्म हो जाएगा। नमस्कार।